तो आज मैंने ऐसी चीज़ बताती हूँ आपको जिसको बनाने के बाद आपको समोसे का भी टेस्ट आएगा और पेटीज का भी टेस्ट आएगा। तो उसके लिए आपको बॉयल्ड आलू में डालना है नींबू और थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और कोरिएंडर पाउडर, है ना, गरम मसाला भी डाल देना। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। यहाँ पर ना मैंने अमचूर पाउडर का यूज़ नहीं करा क्योंकि नींबू था ना तो खट्टा ऑलरेडी हो गया। फिर है ना आपको एक कटोरी मैदे में एक चम्मच नमक, मतलब नमक आपके टेस्ट वाइज मिला देना, और फिर ना एक चम्मच ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लो और है ना पानी डाल के इसका डो लगा लो, जैसे मतलब समोसे वगैरह के लिए लगाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही लगा लेना है। तो ना ये मतलब परते, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें ना परते इतनी होती है कि जिसकी तो कोई हद ही नहीं है, आपको आवाज़ भी सुनाऊँगी एंड में। फिर है ना इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देना, एक्चुअली थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गई है, पर थोड़ी सी डालना, ज़्यादा नहीं डालना, मतलब टेस्ट अच्छा आ जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं कि अजवाइन ही मुँह में घूमती रहे। फिर है ना इसको ऐसे थोड़ा सा लंबा लंबा करके इसको ना ऐसे छोटी छोटी सी बॉल्स बना लो इनकी, और है ना पतला पतला बेल लो, बिल्कुल पतला, जैसे देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो गया था ना, तो बस इतना कर लेना। और फिर ना 2 चम्मच घी या बटर लेना और उसमें ना कॉर्नफ्लोर या मैदा मिक्स करके इसको ना अच्छे से फेंट लो, अच्छे से, है ना, फेंटना वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, आप अच्छे से मिक्स करके। और फिर है ना जो परते बनाई थी ना सारी की परते बना के रखना, फिर इसको लगा लगा के परते लगाओ, फिर मोहन लगाओ। हाँ जी, इसे मोहन भी कहते हैं यार, मतलब मेरे को भी पहले ही पता चला, है ना, अच्छे से इसको रखो, मतलब परते लगाओ मोहन लगाओ, परते लगाओ मोहन लगाओ, और बस फिर इसको ना थोड़ा सा ना भुरक के मैदा और उसको ना बेल लो, है ना, मतलब मैदे से अच्छे से बेल लेना, कोई भुरकने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पूरा ना डुबो देना मैदे में और फिर इसको बेल लेना। फिर इसे ना स्क्वायर शेप में कट कर लो, और जो साइड्स है ना इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है कि इसका आप क्या करोगे, तो वो जल्दी आने वाला है, तो देख लेना चैनल पर। और ना इसको इसमें ना फिर आलू की जो फिलिंग बनाई थी ना वो लगा के और है ना इसमें ऐसे साइड से करके, मतलब देख सकते हो यार क्या ही कहूँ मैं, है ना, अच्छे से इसको फोल्ड कर करके, मतलब एक नया सा ही शेप देना है आपको, है ना, आप कोई भी शेप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है समोसे की दो, पेटीज की दो या इसकी दो, आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। और फिर ना गरम गरम तेल में फ्राई कर लो, और अब इसकी आवाज़ सुनो यार, इतनी अच्छी लग रही है ना अच्छी, है ना, मतलब इतनी क्रिस्पी थी, इतनी परतेदार थी, तो ट्राई करना, मतलब इजी भी है, जल्दी बन जाएगा। चलो बाय।